नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर रितु वर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स का रैंक होता है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसमें हम मान लीजिए कोई रो या कोई कॉलम अगर छोड़ के एक छोटा सा मैट्रिक्स उसमें से निकालते हैं तो फिर वो मैट्रिक्स हमारा कैपिटल ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब जैसे लेट सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। और अगर हमसे कहा गया कि इसका सब मैट्रिक्स क्या होगा, तो लेट सपोज हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो है वो कंसिडर नहीं करी है, तो हम सिर्फ ये वाले एलिमेंट ई एफ एच एंड आई सिर्फ हम ये कंसिडर कर रहे हैं, तो ये होता है सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमने थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को अगर हमने हाइड कर दिया है और अब हम कंसिडर करें ए बी डी ई, तो ये भी इसका सब मैट्रिक्स होगा। तो यही हमने लिखा है कि सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप एम क्रॉस एन, ठीक है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सम रोज एंड सम कॉलम्स फ्रॉम ए इज कॉल्ड एज द सब मैट्रिक्स। मतलब सब मैट्रिक्स मतलब जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका कोई पार्ट हम ले करके अगर एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। नाउ अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं फिर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अ नंबर आर इज सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स अगर जैसे आपने कॉलेजेस में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा कि रैंक क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपको ये याद होगा कि जो रैंक होता है वो हमेशा न्यूमरिक फॉर्म में निकल के आता है, ठीक है। तो वही हमने कहा है कि अ नंबर आर इज सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या कह रहे हैं, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब जो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है उसका एक सब मैट्रिक्स एटलीस्ट वन, मतलब मिनिमम कम से कम एक सब मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आर है और उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कैपिटल ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमने एक सब मैट्रिक्स लिया है ई एफ एच आई, ठीक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो जो मतलब नंबर हम जो कह रहे हैं ऑर्डर आर, मतलब जैसे 2x2 का है तो 2 जो हो जाएगा इस मैट्रिक्स के लिए रैंक निकल के आएगा। यही चीज हम लिख रहे हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स, हमें जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें से एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालना है और ऑर्डर आर मतलब जितने बाय जितने का ये इस मैट्रिक्स का जो सब मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आर हो जाएगा एंड इसका डिटर्मिनेंट जीरो निकल के नहीं आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड वन इज इफ अ मैट्रिक्स ए कंटेन एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन एंड अबोव, मतलब कह रहे हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें से हम दूसरा मैट्रिक्स निकाल के आते हैं जिसका ऑर्डर है आर प्लस वन या उससे ज्यादा अबोव, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ सच मैट्रिक्स शुड बी जीरो। मतलब ओवरऑल अगर हम इन दोनों को देखा जाए तो हमें जो एक मैट्रिक्स गिवन होता है उसमें से सबसे मिनिमम साइज का सब मैट्रिक्स निकाल के लाना है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो वो उसका रैंक कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने यही लिखा है कि हमें एक एटलीस्ट वन एक सब मैट्रिक्स निकाल के लाना है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो और उसका ऑर्डर आर हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि उसी मैट्रिक्स में से हम किसी और सब मैट्रिक्स को लेकर के आते हैं बट उसका ऑर्डर आर या आर प्लस वन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऑर्डर आर या आर प्लस वन से ज्यादा होता है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो निकल के आना चाहिए। ये दो कंडीशन है। सो द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। तो ये दो कंडीशन डेफिनेशन है रैंक निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 10,
ठीक है। तो हमें जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमसे क्या कहा गया था कि हमें मिनिमम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स उसमें निकाल के लाना है जिसका ऑर्डर आर हो और उसका डिटरमिनेंट जीरो ना निकल के आए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल के आते हैं तो हम अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो कैसे निकल के आएगा। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 1 × 40 माइनस ऑफ 36 माइनस ऑफ 2, ये हाइड किया तो ये हुआ 20 माइनस ऑफ 18 प्लस 3, ठीक है। तो थर्ड रो थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो ये हो गया 12 माइनस ऑफ 12। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 4 माइनस ऑफ 2 × 2 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट तो आ रहा है 0 और हमारी कंडीशन क्या थी कि डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए अगर वो ऑर्डर आर प्लस 1 का अगर हम सब मैट्रिक्स निकालते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो ओवरऑल जो मैट्रिक्स है वो ही 0 निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमें इसके सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसका डिटरमिनेंट 0 निकल के ना आए। तो अगर हम सब मैट्रिक्स निकालेंगे तो लेट सपोज हम फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम हाइड करते हैं तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा, 40 माइनस ऑफ 36, ठीक है। तो हमने अगर ये हाइड किया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अगर हमने हाइड कर दिया तो ये निकल के आता है 40 माइनस ऑफ 36, तो इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि एक बार फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 12 माइनस 12, ये भी 0 निकल के आ रहा है। अगर हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम हाइड करते हैं तो ये भी 4 − 4 0 आ जा रहा है। अगर हम फर्स्ट रो अगर हम थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करते हैं तो 4 − 4 निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही ये जो सब मैट्रिक्स है, हम सारे ही एक बार को लिख लेते हैं, एक सब मैट्रिक्स निकल ताकि कंफ्यूजन ना रहेगा, एक सब मैट्रिक्स निकल के आता है 1 2 2 4। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये भी 0 आ रहा है। दूसरा आ रहा है 2 3 4 6, तो ये भी 0 आएगा, 6 × 12 माइनस 12। उसके बाद आता है 2 4 3 6, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है। नाउ उसके बाद हम अगला सब मैट्रिक्स निकाल के आते हैं तो वो हो जाएगा 4 6 6 10। तो जब आप इसे निकालोगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्ट दिस सब मैट्रिक्स, मतलब ये वाला जो सब मैट्रिक्स है इसके अलावा सारे सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 निकल के आ रहा है, सिर्फ इसी का 4 आ रहा है और वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब हमारा जो रैंक हमें निकालना है, जो हमने कंडीशन लिखी थी कि सब मैट्रिक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा रैंक कहलाता है। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर, तो ये कितने का है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए जो है वो निकल के आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं, यहाँ पे 2 क्या है, 2 है हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमारा जो सब मैट्रिक्स निकल के आया उसका ऑर्डर है ये। तो इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन में रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये तो चलो 3 by 3 का मैट्रिक्स था तो ठीक है हमने इसे सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर 4 by 4 का होता है या 5 by 5 का होता है या उससे भी बड़ा मैट्रिक्स होता है तो क्या हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर पाते, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 4 ही सब मैट्रिक्स निकल के आ रहे थे इसलिए हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन जब हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ जाता है तो उस केस में तो हमारे जो सब मैट्रिक्स है उनका नंबर भी बढ़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है हमें रैंक निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रैंक निकालने का एक दूसरा तरीका होता है, वो क्या होता है, टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वी कैन यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मतलब जो रोज हैं या कॉलम है हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं या उसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग द गिवन मैट्रिक्स इनटू इट्स एशलॉन फॉर्म, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो
इन द एशलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है उसे हम एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एशलॉन फॉर्म क्या होता है वो हम अभी देख लेते हैं। और जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें जितनी भी नॉन जीरो रो होंगी वो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉन जीरो रो। तो बस हमें सिंपल सा करना क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन होगा हम उसे एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हो जाती है वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। ठीक है, तो अब एशलॉन, यहाँ क्वेश्चन आता है कि एशलॉन फॉर्म क्या होता है, तो एशलॉन फॉर्म क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं। बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन कन्वर्ट अ गिवन मैट्रिक्स इनटू अ फॉर्म इन विच, ये दो कंडीशन होना चाहिए, ऑल जीरो रो मस्ट प्रेजेंट बिलो द नॉन जीरो रो। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई रो है उसमें जीरो 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 ही प्रेजेंट है तो वो हमेशा नॉन जीरो रो के बिलो में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ है, इसके बाद में कोई जीरो रो है तो वो जीरो 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 या जीरो 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 वो हमेशा नॉन जीरो रो के नीचे ही आना चाहिए, वो नीचे की साइड में ही सारे जीरोस प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट हमारी कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि इन द नॉन जीरो रो, मतलब अब हम बात कर रहे हैं ये दो रो की, अगर ये नॉन जीरो रो है फ्रॉम फर्स्ट रो टू नेक्स्ट रो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, मतलब अगर हम फर्स्ट रो से बात करते हुए नेक्स्ट रो तक जा रहे हैं इसका यही मतलब हुआ। इन द नॉन जीरो रो, नॉन जीरो जितनी भी रो है उसमें फर्स्ट रो से नेक्स्ट रो की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो जितने भी रोज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर द नंबर ऑफ जीरो मस्ट इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो है ये नॉन जीरो रो है तो हम इसको साइड में सेपरेट लिख लेते, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब हमारे पास ये दो नॉन जीरो रो है तो इसमें हम फर्स्ट रो से आगे जब नीचे की साइड बढ़ते जाएंगे, जैसे फर्स्ट रो हो गई सेकंड हो गई, तो इसमें जो भी जीरोस अवेलेबल होंगे नंबर ऑफ जीरोस तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और वो हमेशा नॉन जीरो जो नंबर है उसके पहले आना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे अगर ये ए बी सी गिवन है तो यहाँ पर ये आएगा जीरो। ठीक है, तो ये नॉन जीरो नंबर है तो उसके पहले ही जीरो आना चाहिए। उसके बाद में अगर हम थर्ड रो की बात करते हैं तो ये आना चाहिए जीरो जीरो जी। ठीक है, मतलब यही यहाँ पे कहा गया है कि हम अगर जितनी भी नॉन जीरो रोज की हम बात कर रहे हैं उन रो में जब हम फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो की तरफ जब आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें नॉन जीरो रो नॉन जीरो नंबर मतलब जिसका भी नंबर जीरो नहीं है उसके पहले जीरो आना चाहिए और ये जीरो इंक्रीजिंग कंडीशन में होना चाहिए, यही हम कहने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं एशलॉन फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि जितने भी नंबर ऑफ रोज अगर जैसे किसी रो का सारे एलिमेंट जीरो है तो वो हमेशा सबसे नीचे होना चाहिए, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट में हमें नंबर्स प्रेजेंट है उसके नीचे नॉन जीरो जीरो वाली रो सारी आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड वाली कंडीशन ये है कि जब हम नॉन जीरो रो की बात कर रहे हैं मतलब जिसमें जीरो अवेलेबल नहीं है, अगर उसमें जीरो आते हैं तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और वो जैसे जो डिजिट लिखा हुआ है उसके पहले जीरो ही आना चाहिए। ठीक है, ये एशलॉन फॉर्म होता है, हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम इस फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर वहां से हम रैंक पता कर सकते हैं। रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो ये जो हमने दो पॉइंट्स पढ़े हैं इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं, उसका रैंक निकाल लेते हैं ताकि जो हमें कुछ कंफ्यूजन होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, हमसे कहा गया है कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि जो नीचे की साइड रो है उन्हें हमें जीरो लाना है। अगर जीरो नहीं आता है इट्स ओके, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं। तो हम फिर सेकंड कंडीशन पे चलेंगे, अगर जीरो मान लो नहीं आ रहा है तो हम ये करेंगे कि हमें जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, और वो नीचे की साइड इंक्रीज होता जाए, जैसे सेकेंड रो में एक जीरो है फिर थर्ड रो में दो जीरो जाएंगे और वो हमेशा स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें देखना है कि इसे हम जीरो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है कि
अगर हम सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंज करें तो स्टार्टिंग में जीरो आ सकता है। तो फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में हम क्या करते हैं कि सेकेंड रो में दो से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो से एडिशन कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो में हम क्या करें, सेकेंड रो टू से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दें तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, आर टू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर टू प्लस आर वन, सिमिलरली आर थ्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर थ्री प्लस आर वन, तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो जीरो हो जाएगा। तो अब ये हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन। नाउ हम सेकेंड रो में क्या कर रहे हैं, दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो जब हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू टू और माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे हमने दो से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया चार, फोर में से माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री। सिमिलरली टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सिक्स, सिक्स में से आपने थ्री माइनस किया तो ये हो जाएगा थ्री। सिमिलरली टू से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस टू और माइनस वन माइनस ऑफ थ्री, ठीक है। सिमिलरली आप रो थ्री के लिए भी यही करेंगे तो ये रो थ्री आ जाएगी जीरो माइनस वन माइनस वन, एंड इसको करेंगे हम आर थ्री में क्या करना था, ट्वाइस मतलब टू टू माइनस वन, ये आ जाएगा वन, ठीक है। और लास्ट में तो है ही जो हमारी रो है जीरो वन वन माइनस वन, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम देख रहे हैं कि हमारी रो थ्री और रो फोर एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब अगर हम रो फोर को जो है वो अगर रो थ्री के साथ ऐड कर देंगे तो ये एज इट इज जीरो आ जाएगी, ठीक है। या हम फर्स्ट रो के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम थर्ड रो के साथ भी इसको एडिशन कर देंगे तो ये रो जीरो आ जाएगी, ओके। नाउ अब जो हमारी सेकेंड रो और थर्ड रो है उसमें भी हमें रिलेशन समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो रो थ्री है तो आर थ्री को हम करते हैं थ्राइस ऑफ आर थ्री प्लस कर देते हैं आर टू के साथ, ठीक है। और सिमिलरली हम आर फोर को क्या करेंगे, आर फोर को हम ऐड कर देते हैं आर फोर प्लस आर थ्री, ठीक है। तो जब हम ये कर देंगे तो ये हमारी जो रो है लास्ट की दोनों, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन जीरो थ्री 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 माइनस थ्री। रो थ्री में हमें क्या करना है, थ्राइस ऑफ आर थ्री करके इसके रो टू के साथ ऐड कर देना है, तो तीन माइनस ऑफ थ्री प्लस थ्री ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी रो है ये जीरो जीरो हो जाएगी। एंड जब आप आर फोर को आर थ्री के साथ एडिशन करोगे तो ये रो भी पूरी पूरी जीरो हो जाएगी। यही हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि सारी नॉन जो सारी रो जिसमें जीरो था वो सबसे नीचे आना चाहिए और उसके ऊपर जो नॉन जीरो रो है उसमें स्टार्टिंग में जीरो होना चाहिए, बाद में जीरो नहीं होना चाहिए और जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं है तो वो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो में जीरो है तो वो स्टार्टिंग में है, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम देखते हैं कि क्या हम इसमें से आर टू को भी कुछ सब मतलब उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या इसे जीरो बना सकते हैं, तो इसे जीरो हम नहीं बना सकते, ये इतना ही रहेगा। तो अब फाइनली हमारा क्या कंडीशन थी, जब हमने एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो फिर क्या बोले, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो मतलब जिसमें जीरो अवेलेबल नहीं है, तो जीरो इसमें भी नहीं है, इस वाली रो में भी नहीं है, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए जो है वो निकल के आ जाएगा टू, जो टू है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, मतलब टू जो है वो उठ के यहाँ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं और ये हमारा एशलॉन फॉर्म हुआ। अब एशलॉन फॉर्म के थ्रू आप कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो उससे इजीली रैंक हम निकाल सकते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन के हिसाब से तो ठीक है, एग्जाम के आपके पर्पस के हिसाब से भी ठीक है, जो आपके यूनिवर्सिटी वगैरह में एग्जाम होगा उसके हिसाब से आपको वो ही लिखना है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हम उसमें वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वो लेंथी प्रोसेस हो जाती है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमसे कहा गया कि फाइंड द रैंक ऑफ, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसे इसका रैंक निकालना है। रैंक निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें इसको एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं
कि सेकंड जो रो है, सेकंड रो को अगर हमें जीरो बनाना है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग की जो कॉलम है उसको ही जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें इन दोनों को जीरो बनाना है, इस रो को जीरो बनाना है, तो हम क्या करें, इसमें टू से अगर मल्टीप्लाई कर दे और इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये जीरो हो जाएगा। तो सेम चीज हम यहाँ करते हैं, आर टू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर टू माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ आर वन। तो हमारा ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम आर थ्री में भी करेंगे, आर थ्री में करेंगे हम टू से, अब हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, आर थ्री एज इट इज रहेगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर वन, सो दैट इसमें हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर हो जाएगा और ये एलिमेंट फोर माइनस फोर निकल के आ जाएगा जीरो, तो ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम आर फोर अगर निकाले, तो आर फोर अगर जीरो करना है हमें, तो इसमें हम क्या करते हैं कि टू से अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये टेन हो जाएगा, और इस फर्स्ट रो में अगर हम मल्टीप्लाई करें फाइव से तो ये भी टेन हो जाएगा, जब तो इसको सब्ट्रैक्ट करने में जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर फोर माइनस ऑफ फाइव आर वन। ठीक है, ये तीन रो है, इन तीनों रो में हमें ये चेंजेस करना है। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट रो तो एज इट इज, तो ये हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, नाउ इसके बाद हमें सेकेंड रो में क्या करना है, ट्वाइस ऑफ आर टू, इस सेकेंड रो में टू से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो में थ्री से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस ऑफ फोर। ठीक है, नाउ थर्ड रो में हम क्या करेंगे, आर थ्री माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ आर वन, सेकेंड फर्स्ट रो में टू से मल्टीप्लाई करके आर थ्री रो से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस वन माइनस ऑफ टू माइनस ऑफ थ्री माइनस ऑफ फोर। सिमिलरली आर फोर में हम करेंगे तो ये हो जाएगी जीरो माइनस ऑफ थ्री माइनस ऑफ सिक्स माइनस ऑफ नाइन एंड माइनस ऑफ ट्वेल्व। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि रो थ्री रो टू में हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, एंड आर फोर एंड आर टू में भी हमारे पास रिलेशन है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो थर्ड रो को हम क्या करेंगे, आर थ्री माइनस ऑफ आर टू, आर थ्री माइनस ऑफ आर टू, थर्ड रो में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये पूरी रो जीरो हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम आर फोर में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो आर फोर में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आर फोर माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ आर टू, हम इस सेकेंड रो में टू से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो फाइनल रो निकल के आएंगी ये जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन फोर, और ये दोनों रो हो जाएंगी जीरो जीरो। तो ये एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमारी जितनी भी रो में अगर जीरो जीरो अवेलेबल है तो वो नीचे की साइड होना चाहिए, एंड जो नॉन जीरो रोज है उसमें जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो फर्स्ट रो में जीरो नहीं है, सेकेंड रो में स्टार्टिंग में जीरो है, मतलब एक जीरो इसमें आ गया है। तो यहाँ से रैंक, अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब इसे और जो सेकेंड रो से जीरो नहीं बना सकते, तो यहाँ से हम रैंक ऑफ ए निकाल लेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो कितनी रोज में नॉन जीरो रोज नंबर अवेलेबल है, तो ये हो गया टू। तो यहाँ से भी रैंक ऑफ टू निकल के इस क्वेश्चन की आ जाती है टू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू टू, वेयर ए हमें गिवन है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स ए गिवन है, उसमें से ये भी कह दिया गया कि रैंक ऑफ ए टू है, तो हमें के की वैल्यू निकालना है, किस वैल्यू मतलब के की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का रैंक टू होगा। ठीक है, तो हमें यहां से के की वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसे हमें एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि वन हमें चाहिए कि ऊपर में जीरो, मतलब जैसे ये जो जीरो है ये जीरो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए नीचे नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए, रैंक ऑफ टू है इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये सारे एलिमेंट जीरो, ये
मतलब 3100000 यहाँ आ जाएगा, फिर 11k0, ये भी पूरा जीरो, मतलब ये दोनों जो रो हैं ये दोनों जीरो निकल के आएंगी तभी, और ये नॉन जीरो रहेगा तभी ये रैंक ऑफ टू यहाँ से निकल के आएगी। इतना तो हमें समझ में आ गया है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये आएगी। सेकेंड आएगी कि हमारा जो नंबर ऑफ जीरो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इसका मतलब ये जो वन है ये ऊपर जाएगा और ये जीरो यहाँ नीचे आएगा। तो हम क्या करते हैं, आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर देते, तो आर वन को आर टू से इंटरचेंज कर देते तो हमारी जो एशलॉन फॉर्म की कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। तो ये हो जाता है 1 0 1 1 0 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1, नाउ 3 1 0 2 1 1 k 0। ठीक है, हमने एशलॉन फॉर्म की तरफ एक कदम अपना बढ़ा दिया है कि जो नंबर ऑफ जीरो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आना ही आना है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों रो है इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, आर थ्री इज इक्वल्स टू आर थ्री माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ आर वन। इस थर्ड रो में से अगर फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 1 1। अच्छा, फोर्थ को भी हम कर ही लेते हैं, तो आर फोर भी हो जाएगा, रो फोर इज इक्वल्स टू आर फोर माइनस ऑफ आर वन। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1, आर थ्री माइनस थ्राइस ऑफ आर वन, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हुआ माइनस ऑफ 3, ये हुआ माइनस ऑफ 1, एंड फोर्थ रो हमारी निकल के आएगी 0 1 k माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 1। ठीक है, नाउ अब हमें देखना है कि हम इसे और कैसे जीरो बना सकते हैं। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि आर थ्री में से हम अगर आर टू को माइनस कर देंगे तो ये हमारी पूरी रो जीरो हो जाएगी। तो हम इसे कर देते हैं, आर थ्री इज इक्वल्स टू आर थ्री माइनस ऑफ आर टू एंड आर फोर इज इक्वल्स टू आर फोर माइनस ऑफ आर टू। ठीक है, तो ये भी, ये माइनस वन दिख रहा है, ये माइनस वन दिख रहा है, ये वन है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जब हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 1 0 1 माइनस ऑफ 3 1 0 0 0 0, आर थ्री माइनस ऑफ आर टू पूरा एज इट इज सेम है तो ये जीरो हो जाएगा। नाउ आर फोर माइनस ऑफ आर टू, आर फोर माइनस ऑफ आर टू, तो ये हो जाएगा 0 0, ये भी 0, और k माइनस 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा k प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमसे कहा गया है कि रैंक ऑफ ए इसका मैट्रिक्स 2, अगर ये 0 k प्लस 2 0 हो जाए तो ये हमारा एशेलॉन फॉर्म हो गया और यहाँ से रैंक ऑफ ए भी 2 निकल के आ जाएगा। तो हमें तो लेकिन ये बताना है कि किस के की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का रैंक निकल के आ रहा है, वो 2 निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है कि इफ के प्लस 2 अगर 0 हो जाता है तो हमारे एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रैंक ऑफ ए भी 2 निकल के आ जाती है, जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है वो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब के की वैल्यू माइनस ऑफ 2 के लिए रैंक ऑफ ए जो है वो 2 आएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो के इज इक्वल्स टू माइनस 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल आपको एशलॉन फॉर्म निकालना आना चाहिए, एशलॉन फॉर्म की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से वो निकल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रैंक है, मैट्रिक्स की रैंक हम निकालते हैं उससे रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में हमें थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है वो, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट अफेक्ट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम किसी भी रैंक का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम किसी रो में या कॉलम में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हमने पहले किया है ये आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस थ्राइस ऑफ आर थ्री, तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये करने से किसी भी मैट्रिक्स के रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर अ नल मैट्रिक्स रैंक इज जीरो, इफ एम क्रॉस एन इज नॉट अ नल मैट्रिक्स देन, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन का है तो उसका जो रैंक होगा वो हमेशा वन से
एम और एन जो भी ऑर्डर है मिनिमम है, मतलब जैसे मान लो हम यहाँ 3 by 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 rows 2 column का अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इन दोनों में से जो भी छोटा है, जैसे यहाँ पे 2 मिनिमम एम और एन में से जो भी छोटा है, तो 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 less than rank of A equals to 2 होगा, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसमें से रैंक और ऑर्डर है उसमें से रो और कॉलम में से जो भी छोटा नंबर होगा, 1 और उस नंबर के बीच में ही आपकी रैंक निकल के आएगी। ओके, द रैंक ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एन, ये भी हम देख चुके हैं कि अगर एन ऑर्डर का होगा तो उसका रैंक भी एन ही निकल के आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आता है, ठीक है। द रैंक ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर एन इज लेस देन एन, ठीक है, ये भी हो गया। इफ एवरी, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सिंपल से पॉइंट्स है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज फिक्स्ड कॉन्स्टेंट देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर जैसे हम किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट एक कॉन्स्टेंट हैं, तो उसका मैट्रिक रैंक ए निकल के 1 निकल के आएगा। द रैंक ऑफ I4 इज 4, हाँ, द रैंक ऑफ I4 इज 4, देन रैंक ऑफ IN इज इक्वल्स टू N, ओके, ठीक, ये भी सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट इज, इफ अ मैट्रिक्स A M क्रॉस 1 एंड B 1 क्रॉस N आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन उसका रैंक जो निकल के आएगा AB का वो 1 आता है। अब यहाँ हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये क्या करें, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ दो मैट्रिक्स है, A है M क्रॉस 1 का, मतलब M उसकी रोज है और 1 ही कॉलम है, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, लेट सपोज वो हो गया 1 2 0, ये एम क्रॉस 1 हो गया, एम रोज हो गई और 1 कॉलम हो गया। सिमिलरली बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस n, मतलब उसकी 1 रो हो गई और उसकी ये नंबर कॉलम हो गए, 4 5 जितने भी हो वो कॉलम हो जाते हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हो ए बी, तो जो मैट्रिक्स आएगा ये हुआ आपका 3 क्रॉस 1 और ये हुआ 1 क्रॉस 4, तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 by 4 का आएगा। तो इसका जब आप रैंक निकालोगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। करके देख लेते हैं, देख लीजिए, ये आएगा 1 2 3 4, 2 4 6 8 and 0 0 0 0। तो जब आप देखोगे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में रिलेशन है, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये भी 0 0 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से रैंक आपका निकल के आएगा 1। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस 1 का और दूसरा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस n का, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करा के रैंक निकालते हो तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ रैंक ऑफ ए बी, मतलब आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर आप उनका मल्टीप्लाई कर मतलब जो उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका रैंक निकालते हैं, तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होगा, जो भी रैंक ऑफ ए का या रैंक ऑफ बी में जो भी मिनिमम होगा उसका। जैसे मान लो इफ रैंक ऑफ ए 4 क्रॉस 3 इज 3, ओके, नाउ रैंक ऑफ बी 3 क्रॉस मान लो 7 है, तो उसका रैंक आ रहा है 2। तो जब आप एक दूसरा मैट्रिक्स लोगे ए बी, वो होगा 4 क्रॉस 7 का, तो इसका जब आप रैंक निकालोगे तो वो लेस देन इक्वल्स टू होगा, इन दोनों में से छोटा कौन है 2, तो वो 2 से कम आएगा। ये भी एक फॉर्मूला है। नाउ रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों इक्वल होता है, विल बी इक्वल टू, और ये इक्वेलेंट होगा अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा के फिर उसका रैंक निकालते हो, तो वो भी उसका इक्विवेलेंट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जब हम किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए, समटाइम्स इस पे क्वेश्चन बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।